अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं आपके साथ बहुत ही कलरफुल और बहुत ही यूनिक सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, फ्रूट चाट की। बिल्कुल कलरफुल सी एक रेसिपी है, जितनी ये देखने में अच्छी लगती है उतनी खाने में भी मज़े की लगती है। सबसे पहले मैं कुछ फ्रूट्स को पील कर लूँगी। कीवी लिया मैंने, कीवी को मैं पील करके रख रही हूँ। डिफरेंट कलर्स के फ्रूट्स मैं इसमें ऐड करूँगी। बड़े केयरफुली सब फ्रूट्स को पील कर लेना। कीवीज को मैंने पील कर लिया। मैं मैंगो लूंगी, मैंगो थोड़ा हार्ड सा मुझे इसमें चाहिए। मैंगो को भी मैं पील कर लूंगी। मैंगो को पील करने के बाद मैं अनार में सुखाने निकाल लूंगी। उसके बाद जितने भी फ्रूट्स हैं उनको मैं वॉश कर लूंगी। लेकिन जितने भी फ्रूट्स मुझे रिक्वायर्ड हैं सबको मैंने वॉश कर लिया। अब मैं इनको कट करना स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैंने मैंगो लिया। मैंगो को मैं क्यूब कट के फॉर्म में कट करूंगी। एक नॉर्मल साइज के क्यूब्स कट करने हैं, ना बहुत बड़े बड़े से हो और ना बिल्कुल छोटे छोटे से, क्या कचूमर साइज बन जाए। मैंगो थोड़ा हार्ड सा मैंने चूज किया था इसलिए कि अदरवाइज बिल्कुल जूसी सा मैंगो हो तो अपनी शेप ही लूज कर जाते हैं क्यूब्स, और उसके अलावा सारी फ्रूट चाट जो है वो जूसी हो जाती है। बस नॉर्मल साइज का मैंने जो है उसमें क्यूब्स में कट कर लिया इसको। बस कुछ भी वेस्ट नहीं करना, इतना भी इसमें से उतार सकते हैं इजीली। उसको रिमूव करें और उसको अच्छे से क्यूब्स में कट कर लें। नेक्स्ट अब मैं इसमें ऐड करूंगी स्ट्रॉबेरीज। इस तरह से इनको गोल गोल काट लिया, बिल्कुल थिन स्लाइसेस नहीं किए, थोड़ा मोटा मोटा सा इनको चॉप किया। बस इसी तरह से राउंड स्लाइसेस में मैं इन स्ट्रॉबेरीज को कट करूंगी। लीव्स रिमूव करके और इस तरह से इसको कट करते जाएंगे स्लाइसेस में। जितनी जिस फ्रूट की क्वांटिटी आपको पसंद है उतनी ऐड कर लें। नेक्स्ट अब मैं इसमें एप्पल ऐड कर रही हूँ। एप्पल बहुत बेसिक नेसेसिटी है फ्रूट चाट की, इसके बगैर तो बिल्कुल बेरोनक सी रहती है फ्रूट चाट, ये तो लाजमी ऐड करूँगी। इसको भी इस तरह क्यूब्स में कट कर लें। एक मैंने मीडियम साइज का एप्पल इसमें ऐड कर दिया। नेक्स्ट अब मैं कीवीज जो पील की थी वो मैं इसमें ऐड करूंगी। कीवीज को मैंने इस तरह फोर पार्ट्स में डिवाइड किया और उसको फिर छोटे से स्लाइसेस में कट कर लिया, बिल्कुल थिन स्लाइसेस नहीं किए। लेकिन इस तरह से फोर पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद इसको चॉप कर लिया। नेक्स्ट अब मैं ग्रेप्स ऐड कर रही हूँ। ब्लैक ग्रेप्स लिए मैंने। इसको मैंने थोड़े बड़े बड़े थे तो मैं इसको सेंटर से हाफ कर रही हूँ। अगर छोटे साइज में मिले तो फिर वो फुल भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ब्लैक ग्रेप्स मैंने इसलिए चूज़ किया कि अगर मैं ग्रीन ग्रेप्स ही चूज़ करती ना तो फिर वो फ्रूट चाट में कलर्स नहीं इतने ऐड होते। कीवी भी ग्रीन थी तो फिर मैंने इसलिए थोड़ा ब्लैक कलर ऐड करने के लिए इसमें ये वाले ग्रेप्स चूज़ किए हैं। ये देखने में भी इतनी अच्छी लगती है, कलरफुल सी लगती है और खाने में भी बहुत मज़े की लगती है। इसमें से जो फ्रूट्स आप चाहें स्किप करते हैं, जो भी चाहें उसमें मज़ीद ऐड कर लें। ग्रेप्स को भी मैंने कट कर लिया। नेक्स्ट इसमें मैं बनाना ऐड कर रही हूँ, ये भी बड़ा एसेंशियल इन्ग्रीडियंट होता है। इसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक नहीं काटा, थोड़ा मोटा मोटा सा चॉप किया। नाउ इट्स टाइम टू मिक्स देम अप। एक ऑरेंज लिया है मैंने, इसको मैंने इस तरह से सेंटर से हाफ कर लिया और अब मैं इसको स्क्वीज करके इसका जूस निकाल लूँगी। आई थिंक हाफ ऑरेंज ही एनफ होगा। इसमें से इसके सीड्स रिमूव कर रही हूँ मैं।
सीड्स रिमूव करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी शहद। हनी इसमें जाएगा तकरीबन 1 टेबलस्पून मैं ऐड करूँगी। ये 1 टेबलस्पून मैंने हनी इसमें ऐड कर दिया। उसके साथ इसमें थोड़ा सा सॉल्ट और चाट मसाला मैं ऐड कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून मैंने दोनों का ऐड किया। शुगर मैं इसलिए ऐड नहीं कर रही क्योंकि हनी ऐड कर दिया तो एनफ होगा। अब ये जितने भी फ्रूट्स हैं माशाल्लाह सब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ग्रेप्स और बनाना भी इसमें ऐड कर दिया है। इसके अलावा अनार जो मैंने छीला था वो भी ऐड कर दिया इसमें। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। देखें माशाल्लाह देखने में ये कितना अच्छा सा लग रहा है। और ये मैंने इसको सर्विंग बाउल में निकाल लिया। मैं इसको फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको। ये इसका फाइनल लुक। होप यू लाइक माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।